सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिल में उल्फत मुहम्मद नहीं है समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। जिस दिल में उल्फत मुहम्मद नहीं है समझ लो कि किस्मत में जन्नत नहीं है। भटकता रहा है भटकता रहेगा, भटकता रहा है भटकता रहेगा। मुहम्मद से जिसको अकीदत नहीं है करे जो अताअत मुहम्मद की दिल से उसे पीर मुर्शद की हाजत नहीं है। अल्लाह ताला दी हमदो सना और नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदस दे अनगिनत और लातदा दरूद और सलाम दे बाद आज 19 रबीउल अव्वल 6 अक्टूबर सन 2023 का खुतबा जुमा हस्बे वादा शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मौजू ते होएगा। बहुत बड़ा अफसोस और दुख दी बात है। वो लोग सानू कहते ने कि ये नबी का शान बयान नहीं करते जेडे आप नबी दे गुस्ताख ने बेअदब ने। नबी दी जगह ते और कई एक जातां शख्सियतां खड़ियां कर लिया ने नबी दी जगह ते उन्हां दी तकलीद करदे ने। नबी दी जगह ते उन्हां दी पैरवी करदे ने और गुस्ताख सानू कहते ने जबकि असी कायनात दे अंदर मुहम्मद दे सिवा किसे नबी दी भी पैरवी नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है कि जितना बड़ा कोई मुशरक है साडे मुल्क दा वो भी अपने आप नूं मवाहिद कहलांदा है, जितना बड़ा बिदअती है वो अपने आप नूं अहले सुन्नत कहलांदा है, जितना बड़ा बदमाश है राहजन है चोर है डाकू है वो अपने आप नूं नेक मुत्तकी परहेजगार कहलांदा है। चलो आवाम दी कोई बात नहीं, बड़े बड़े आलम मौलवी पीर गद्दी नशीन साहबजादे अल्लामे मुफ्ती शेख कहलान वाले कुरान हाथ विच पकड़ के बाबूलो मिंबरो मेहराब मसल्ले मस्जिद दे अंदर आके इन्ना बड़ा झूठ बोलते ने कि सरासर अगर कोई इंसान सोचे तो इल्जाम है बोहतान है कि ये नबी दी शान नहीं मनते नबी दा शान बयान नहीं करते। इनू कहते ने नाले चोर नाले चतर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
भाई शर्म तुहानू आनी चाहिए अगर तुसी नबी दा अदब एहतराम कर दे ते अबू हनीफा दी तकलीद ना कर दे। अगर तुसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान समझते ते नबी दी जगह ते किसी दूजे दी बैत ना कर दे। अगर तुहानू नबी दी शान अजमत मकाम दा पता हुंदा ते तुसी नबी दी जगह ते किसे होर दे मजहब दी तरफ निस्बत ना कर दे। अगर तुहानू नबी दे एहतराम नबी दे अदब दा पता हुंदा ते फिर मुहम्मद दा मजहब छड़ के अबू हनीफा दा मजहब इख्तियार ना कर दे। अगर तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत हुंदी मुहम्मद दी हदीस छड़ के ते इमामा दी फिका वल ना जांदे। अगर तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जात नाल अकीदत प्यार मुहब्बत हुंदी ते फिर मुस्तफा दी जात नू छड़ के ते तुसी गैरां वल ना जांदे किसे दे आस्ताने वल ना जांदे किसे दे दरबार वल ना जांदे। अज उन्हां लोकां ने अल्लाह दी जगह ते गैरां नू जिंदा नू नहीं मुर्दियां नू मुर्दे इंसानां नू नहीं हैवानां नू भी मुश्किल कुशा समझ लिया है। हैवानां नू नहीं पत्थरां नू मुश्किल कुशा समझ लिया है हजरां नू मुश्किल कुशा समझ लिया है दरख्तां नू मुश्किल कुशा समझ लिया है। जिन्ना तो नबी रोकन आया सी नबी टोकन आया सी नबी बाज रखन वास्ते आया सी जिन्नू नबी शिरक कहिंदा है ए ओनू पूजदे ने और कहिंदे ने कि असी नबी दे आशक हां सानू नबी नाल मुहब्बत है नबी नाल अकीदत है कहिंदे ने आओ मिलाद मनाए। मैं कहना आओ मुहम्मद मनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मनान अंदर दिन दी खुशी है मुहम्मद मनान दे अंदर जाते मुस्तफा दी खुशी है। दिन ना मनाओ दिन अबू लाब ने भी मनाया सी लेकिन गया जहन्नम दे अंदर है। मुहम्मद बिलाल ने मनाया है गया जन्नत चे। जरा तवज्जो फरमाना मुल्क दे अंदर बहुत बड़ा शोर है मुल्क दे अंदर बहुत बड़ा रौला है मिलाद मनाओ। मैं कहना मिलाद नहीं मुहम्मद मनाओ सल्लल मुहम्मद नू राजी करो। मुहम्मद नाराज है तुहाडे ते वो शिरक तो रोकदा है तुसी बाद नहीं आंदे बाद आ जाओ मुहम्मद मना लवो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद नू मना लो बिदत तो बाद आ जाओ। मेरे मुहम्मद ने फरमाया कयामत वाले दिन लोग आनगे मुहब्बत दा दावा करन वाले मेरे कोलो पानी पीन चावन दे पानी पीना चावन गे। मैं कहंदा आन दियो मैं इन्हां नू पानी पलावां लेकिन फरिश्ते कहणगे इन्ना कला तदरी मा अहदा सूबा दका। तुहानू इलम नहीं जदों तुसी आ गए तुहाडे बाद इन्हां तुहाडे दीन दे अंदर नवियां नवियां बिदतां जारी कर दित्तियां सन। तौहीद दी जगह शिरक सुन्नत दी जगह ते बिदत सदांदे आले सुन्नत सन करदे बिदतां सन सदांदे मुसलमान सन करदे शिरक सन। वायो हालो बैनी व बैना हम बाब हौदे कौसर व शफात दे अंदर मिशकात ही उठा के देख लो
नबी फरमांदे ने मेरे इन्हां दे दरमियान दीवार हायल कर दित्ती जाएगी। मैं कहांगा दूर ले जाओ, मैं ऐसे लोगों नू देखना भी नहीं चाहता जिन्ना मेरे दीन दा हुलिया बिगाड़ दिता है। अजान अपनी मर्जी दी है, वुजू अपनी मर्जी दा है, नमाज अपनी मर्जी दी है, दरूद अपनी मर्जी दा है, वकत अपनी मर्जी दा है, अल्फाज अपनी मर्जी देने। जो नबी को साबत है वह करना नहीं, जो नबी तो साबत नहीं वह छड़ना नहीं। दावा अकीदत मुहब्बत का करना है, अवाम नू धोखा देना है कि असी नबी दे आशक हाँ, नबी दे मुहिब हाँ। मेरे वीरों, मैं ये बात अज साबत करना चाहना, ये दसना चाहना कि मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल अकीदत मुहब्बत प्यार किदा है, शान किस चीज का नाम है, शान आंदे किन्नू ने। किसे दी मजलस दे अंदर, किसे दे घर दे मामलात दे अंदर कोई पंच बना दिता जाए, ओदा सरपंच जो बनाया जाता है बड़ा आदमी के मुनसफे फैसला करेगा। ओनू घर बुला के वो कह के आ फैसला मेरा है, ओदा फैसला बंदा ना मने, ओदा अदब है कि बेअदबी है। ये गुस्ताखी है कि नहीं कि जो फैसला करे मुनसब ओदा फैसला ना मने और कह के मैं तेरा अदब करना एहतराम करना। वो कह सकता है कि मेरा फैसला ते मन नहीं रहा, मेरा अदब की है, एहतराम की है, मैनू बुलाया क्यों सही। अगर तेनू मेरे ते इतमाद नहीं सी, मैं इंसाफ नहीं सी कीता या नहीं सी करना, ते मेरे वल तू आया क्यों है। तो भाइयो, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाफ कीता है, जो फैसला कीता है, कुरान कहता है जेड़ा वो नहीं मनता वो मोमिन मुसलमान नहीं। मोहब्बत का तकादा क्या है, मोहब्बत आंदे किन्नू ने, प्यार आंदे किन्नू ने, अजमत शान कहते किन्नू ने। अहले हदीस एक जमात है कायनात दे अंदर, खुदा दी कसम जो मुस्तफा दे अदब तो बढ़ के किसे दा अदब नहीं करते, क्योंकि मुस्तफा दी जात तो बड़ी जात रब ने कोई बनाई ही नहीं। इना जुलम करते ने कि दावा मुहब्बत दा मुहम्मद नाल करते ने, मजहब अबू हनीफा दा इख्तियार करते ने। मुहब्बत दा दावा मुहम्मद नाल करते ने, तकलीद अबू हनीफा दी करते ने। मुहब्बत दा दावा मुहम्मद नाल करते ने, नमाज हनफी पढ़ते ने। दावा मुहब्बत दा मुहम्मद नाल है, फिका इमाम दी पढ़ते ने। दावा मुहम्मद दे नाल मुहब्बत दा है, बैत अपने पीरां दी करते ने। दावा मुहब्बत दा मुहम्मद नाल करते ने, आस्ताने अपने पीरां दे ते जाके झुकते ने। एक अहले हदीस मजहब है दुनिया के उत्ते जो खालिस इस्लाम का दूसरा नाम है। असी ये बात बरमला कहने कह सकने, साडा हक है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਿਆ ਤੇ ਕਿਆਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਆਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਮੈਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਆ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਮੁਕਾਮ ਮੁਸਤਫਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ, ਰਿਫਤ ਮੁਸਤਫਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਏ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਗੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਮਾਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੌਲਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਪੀਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੌਲਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਮਾਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਏ, ਪੀਰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਏ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਵੰ ਨਜਮੇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮ ਵਮਾ ਗਵਾ ਵਮਾ ਯੰਤ ਕੋ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਾਹਿਯੂਹਾ। ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਏ। ਰੱਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਮਾਮ ਏ, ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਸਾਇਲ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਸਾਇਲ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਇਮਾਮ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अनहु हदीसा लिखते सन गल्ला मुहम्मदियां लिखते हुंदे सन। लोग क्या अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस नू हर गल नबी दी लिखते जांदे हो? बाद औकात नबी गुस्से विच हुंदे ने, किधरे ऐसा ना होवे कि नबी दे गुस्से जज्बात वाले जाती अल्फाज तुसी लिखते हो। ओ दीन हदीस ना होवे, नबी अपने कोलों कोई गल कर देन, गलत ना बात हो जाए। नबी पुछदे ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस नू, मेरिया हदीसा लिखनिया क्यों छोड़ दित्तियां ने? फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल, लोकां ने आ गल कीती ए, इस वास्ते छोड़ दित्तियां ने। मेरे नबी गुस्से नाल कहिंदे ने, ऐ अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, मैनू जात दी कसम ए, जिदे कब्जे अंदर मुहम्मद दी जान ए, मुहम्मद दे मुंह दे अंदरों कदे गुस्से नाल भी हक दे सिवा कोई गल नहीं निकली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए है शान ए मुस्तफा, गुस्से नाल जज्बात नाल वे कदे कोई गलत जुमला कोई गलत गल नहीं निकली, क्योंकि मुहम्मद दे मुंह चो दीन दे हवाले नाल हर लफ्ज निकलिया होया। वो दीन बनना हुंदा इस वास्ते रब मुहम्मद दी जबान तो कोई गलत जुमला नहीं निकलन देंदा। गारंटी अल्लाह खुद देंदा, मैं ते रसूल फकत अता अल्लाह, जिन रसूल दी अतात कीती उसने मैं अल्लाह दी अतात कीती, क्योंकि मेरा मुहम्मद मेरी मर्जी दे बगैर नहीं बोलदा। गारंटी दे दीती है, इत्तबेऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबेऊ मिन दूनिही औलिया। सूरत आराफ दी आयत नंबर 3, अपने घर दे अंदर बैठ के मेरा वीर, मेरी मां भैन, मेरी बेटी तर्जमा वेखे। अल्लाह दी कसम, रब ने सारे फैसले फरमा दिते ने, इत्तबेऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी सिर्फ और सिर्फ उस चीज दी करनी है जो तुहाडी तरफ तुहाडे रब दी तरफों वही नाजल कीती गई है। ते वही आउंदी है सिर्फ नबी दे उत्ते, किसे इमाम ते वही नहीं आंदी, किसे इमाम दी गल वही नहीं हुंदी। वही किदे उत्ते आंदी है? नबी दे आंदी है। नबी अपनी मर्जी नाल कोई गल नहीं करदा। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया है कि तुसी जिवें नबी दी गल मननी फर्ज है, इवें नबी मुहम्मद दे सिवा किसे वली दी गल ना मनना फर्ज है। सूरत आराफ आयत नंबर 3 कर बह के दो जुमले ने, इत्तबेऊ मा उन्ज़िला इलैकुम, पैरवी करो उस चीज दी जो नाजल कीती गई है तुहाडे रब दी तरफों तुहाडी तरफ। यह पैरवी करन दा हुक्म। अगला फरमाया, वला तत्तबेऊ मिन दून ही औलिया, उदे अलावा और किसे भी वली दी कोई गल नहीं मननी। औलिया वली दी जमा है, एक वली दी गल नहीं, मशरक मगरब जनूब शमाल जमीन आसमान दे अंदर जिथे भी कोई है, जिन्नू तुसी जिड्डा मर्जी वली कह लो, नबी कह लो, रसूल कह लो, वला तत्तबेऊ मिन दूनिही औलिया, जिवें नबी दी गल मननी फर्ज है इवें नबी दे अलावा किसे दी ना मनना भी फर्ज है। इस वास्ते मेरे वीरो, पता ही नहीं लोकां नू शान मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा है क्या, आंदे किन्नू ने
अस ये दावा रखने खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा दो आलम से बाला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आदम तो लेके नबुव्वत दी बुनियाद रखी है, खत्म आके मोहम्मद दे के दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जितने भी नबी आए ने आदम तो ईसा तक कोई इस बस्ती आया, कोई इस बस्ती आया, जुदा जुदा कौमां नूं मौला पहुंचाया। कोई इस बस्ती आया, कोई इस बस्ती आया, जुदा जुदा कौमां नूं मौला पहुंचाया। मुहम्मद होया नबी सारे जमीन दा, लकब पाया सू रहमत लिल आलमी दा। ए ईसा ए मूसा, ए ईसा ए मूसा, ए दाऊद प्यारे, मुहम्मद आया ते हो गए बंद सारे। जदों मुहम्मद रसूलल्लाह ने नबुव्वत दा दावा फरमा दिता है, मुहम्मद दी नबुव्वत कयामत तक जारी है। हुण किसे नबी दी बात भी नहीं चलेगी ते इमाम दी तकलीद किवें चल सकदी है। कहिंदे ने जी इह गुस्ताखी इमामां दी करदे ने। नहीं नहीं मेरे वीरो, अल्लाह दी कसम असीं किसे दी गुस्ताखी नहीं करदे। इह ते इसे तरह ही है जिवें यहूदी कहिंदे ने जी इह मूसा दी नहीं मनदे, इह मूसा दे गुस्ताख ने। ईसाई कहिंदे ने इह ईसा दे गुस्ताख ने, उहदी नहीं मनदे। मिर्ज़ाई कहिंदे ने के गुलाम कादियानी दे गुस्ताख ने, उन्नू नहीं मनदे। शिया कहिंदे ने हसन हुसैन ते अली नू नहीं मनदे। ओ मेरे वीरो, असी सब नू मनने आ, लेकिन इमाम आजम सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह नू मनने आ। ए सारे इमाम ने अपने अपने फिरकियां दे, अपने अपने मजहबां दे, अपनियां अपनियां पार्टियां दे इमाम ने। इमाम आजम सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये सारे वकील ने, जज सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नहीं समझ आई तो इस तरह समझ मेरे वीर, इस कायनात दे अंदर इको जात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदी निस्बत नाल जन्नत मिलनी है, जिदी नाफरमानी नाल जहन्नम मिलना है। ना जहन्नम किसे दी नाफरमानी नाल मिलना है, ते ना जन्नत किसे दी अतात नाल मिलना है। ए दोनों चीजा जन्नत जहन्नम वापसता ने, ते जाते मुस्तफा नाल वापसता ने। तेरा इमाम अबू हनीफा होवे, मालिक होवे, शाफी होवे, अहमद बिन हंबल होवे, अहमद रजा होवे, कासम ननौतवी होवे, शेख जिलानी होवे, सोरवर्दी होवे, कादरी होवे, नक्शबंदी होवे, कोई कितना भी बड़ा इमाम क्यों नहीं, वो उस वक्त तक इमाम इमाम नहीं होएगा जब तक मेरे इमाम आजम दी पैर भी नहीं कर लेगा। तू अपने इमाम दे कहण दे उते वुदू नहीं कर सकदा। अल्लाह दी कसम कुरान मेरे हाथ दे अंदर है, तेरा कितना बड़ा इमाम क्यों नहीं, तू अपने इमाम दे कहण ते वुदू करे तेरा वुदू नहीं, तू अपने इमाम दे कहण ते नमाज पढ़े ओ नमाज नमाज नहीं, तू अपने इमाम दे कहण दे उते रोजा रखे ओ रोजा नहीं, तू अपने इमाम दे कहण दे उते हज करे ओ हज नहीं। लेकिन मेरे इमाम आदम मुहम्मद दे कहण ते तू एक गल भी ना मन्ने, तू मोमन ते मुसलमान ही नहीं। कुरान पढ़ना, दलील देना,
कुरान कहता मा कान लिमुमिन वला मुमिनत इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अय यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलुहु फकद ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। मर्द होवे औरत होवे जो मुहम्मद रसूल्ला नू फैसल मुनसफ जज आखरी नहीं मानदा ओ मोमन नहीं। कौन है इस कायनात अंदर अदब रसालत करने वाला एहतराम रसालत करने वाला? वो सिर्फ अहले हदीस है मेरे वीर। तू अपनी फिका दी किताब उठा ले, तेरा इमाम कहिंदा है मेरा इमाम, तेरा इमाम कहिंदा है मेरा इमाम कहिंदा है। तेरा इमाम 2.5 साल दुध पिलाण दी मुद्दत दसदा है, मेरा कुरान 2 साल दसदा है। मेरे मुहम्मद ने कुरान पढ़ के दसिया वल वालिदा तो युरज़ेना औलादा हुन्ना हौलैन कामिलैन, ज्यादा तो ज्यादा मुद्दत औरत अपने बच्चे नू दुध 2 साल पिया सकदी है। 2 साल दे बाद मां अपने बच्चे नू दुध नहीं पिला सकती। हौलैन कामिलैन, रब ने मुद्दत मुकर्रर कर दिती है। मुहम्मद ने 2 साल मुद्दत दसी है। लड़का होवे भावे लड़की होवे, तेरा इमाम अबू हनीफा 2.5 साल बयान करता है। मैं अर्ज करना तू मुहम्मद दा अदब कीता या मैं मुहम्मद दा अदब कीता है? मेरे मुहम्मद ने कुरान पढ़ के क्या है 2 साल मुद्दत है, तेरे इमाम ने कियास करके 2.5 साल बयान किया है। मेरा इमाम मुहम्मद 2 साल कहता है मां अपने बच्चे बच्चे नू ज्यादा तो ज्यादा मुद्दत दुध पिला सकती। इमाम 2.5 साल कहता है अबू हनीफा। मेरे वीरो जरा सुनो गल, इस वास्ते असी ये गल कहने मेरे नबी ने खुद फरमाया अला इन्नी ऊती तुल कुरान मिसलाहू माहू। लोगो अल्लाह दी कसम अहले हदीस ही सिर्फ ये हदीसा बयान करते ने, कुरान खालस बयान करते ने। मेरे नबी फरमाते ने ओ लोगो खबरदार, मेनू रब ने जिवें कुरान अता फरमाया है इस तरह एदी मिसल और भी वही अता फरमाई है। कुरान दी तरह वही हदीस है मुस्तफा अला इन्नी उती तुल कुरान व मिसलहू माहू। कुरान जिवें मिलिया है एदी मिसल और भी वही मेनू मिली है, वह हदीस है मुस्तफा है, वो हदीस मुस्तफा है जेड़ी जबरील दे वास्ते नल भी आई है, बगैर वास्ते दे भी आई है। इस वास्ते असीं कहने साडे नबी दी जबान सानू मिसले कुरान। सुनो शाने मुस्तफा, इन्हां नू शाने मुस्तफा बयान करन दा वक्त ही नहीं मिलता। मुलंगां दियां मौलवियां दियां करामतां पीरां दियां दरवेशां दियां जिंदियां दियां नहीं मुर्दियां दियां, ला हौला वला झूठियां कहानियां। साडे नबी दी जबान सानू मिसले कुरान। हदीस दे अल्फाज मैं पहले पढ़े ने, अला इन्नी उदीतुल कुरान व मिसलहू माहू। साडे नबी दी जबान सानू मिसले कुरान, होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। किसे पीर दा होवे, किसे फकीर दा होवे, किसे इमाम दा होवे, किसे मौलवी दा होवे, ए बड़ा इमाम आजम कहिंदा है अल्लाह दी कसम मेरी जुत्ती दी नोक ते हर एक दी बात ते पर मुहम्मद दी बात छड़न नू तैयार नहीं। इमाम आजम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस वास्ते असीं कहने आ अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अल्लाह दे रसूल दे कोल आके बैठ गए ते कहंदे ने प्यार नाल अदब नाल कैफा अलिमता अन्नका नबियुन अल्लाह दे रसूल मैनू अजे गल दसो तुसा ए किवें मालूम कर लिया कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। भई जरा जाग के जागो। अबू ज़र गफारी कहंदे ने अल्लाह दे रसूल कैफा अलिमता अन्नका नबियुन अल्लाह दे रसूल मैनू अजे गल दसो तुसा किवें मालूम कीता कि मैं अल्लाह दा रसूल हां। फिर यकीन कर लिया। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने आतानी मलकान और ज़बाने मुस्तफा जो नबुव्वत दी दलील मैं नबी किवें यकीन कीता। फरमांदे ने अबू ज़र मेरे कोल दो फरिश्ते आए ने एक जमीन आसमान दे दरमियान खड़ा हो गया है ते एक मेरे करीब आके खड़ा हो गया है। जेड़ा मेरे करीब आया है ओ पिछों भी वेंदा है ओ उनू पुछदा है आहोवा क्या है ओ ही मुहम्मद है जिदे जिक्र आसमाना ते हो रहे ने। आंदा ए ओ होइए ते ओ कहंदा है फिर फवाज़न हो वजन कर एदा। फरमांदे ने उते तराजू मंगाया है उना फरिश्तियां ने। बड़ी लंबी हदीस है मैं मुख्तसर करना वक्त इजाजत नहीं देंदा। फरमांदे ने तादुआ ने उते तराजू मंगाया मेनू पकड़ के एक छापे च पाया। छापा समझो ना एक तरकड़ी दा एक पासा है एक लामे मुस्तफा नू एक लामे और बंदा फिर पांच बंदे दस बंदे सौ बंदा हजार बंदा हत्ता के सारी दुनिया उन्ना एक पासे सुठी फिर भी मेरे तकड़े उता ना उठी हत्ता के सारी दुनिया उन्ना एक पासे सुट्टी फिर भी मेरी तकड़ी उता ना उठी। खालक होन वल्लों उच्चा रहमाने ते मखलूक अंदर मुहम्मद दा शाने ओ एक पासे होवे जे सारा जहाने जमीना सत्ते ते सत्ते आसमाने फिर भी मुहम्मद दा है शाने आला मुहम्मद मुहम्मद सोना कमले वाला। ए है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए है मेरा इमाम आजम ए है मेरा रहबर आजम ए है मेरा मुर्शिद आजम। इस वास्ते मेरे वीरों असी कहने आ खत्मे नबुवत दा सालार आया ओ खत्मे नबुवत दा सालार आया। खत्मे नबुवत दियां कानफ्रेंसां करदे ने लोक बड़े बड़े इश्तिहार हुंदे ने बड़ियां बड़ियां कानफ्रेंसां हुंदियां ने। खत्मे नबुवत दा मौजू हुंदा है लेकिन उहदे विच शान इमाम अबू हनीफा दे बयान हुंदी है। तवज्जो मेरे वीरो तवज्जो। कोई अपना इमाम शाफी बयान करता है कोई मालिक बयान करता है कोई अहमद बिन हंबल बयान करता है कोई अहमद रजा बयान करता है कोई अपना कासिम ननौतवी बयान करता है कोई रशीद अहमद गंगोई बयान करता है कोई नक्शबंद बयान करता है कोई सोहरवर्दी बयान करता है कोई चिश्ती कोई कादरी कोई कोई बयान करता है। लोगो खत्मे नबुवत दे मौजूदा तकाजा ए है कि वो खत्मे नबुवत दा सालार आया नबुवत दे बुए नू है मारे आया नवा नबी हुण जग ते आ कोई नहीं सकदा नवा नबी हुण जग ते आ कोई नहीं सकदा जहाना दे रहमत कहा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जग ते जिवें बरसाती डडियां
दावे हजारा ते पग्गां ने वड़ियां फिरन पीर जगते जिवें बरसाती डडियां वो दावे हजारा ते पग्गां ने वड़ियां ते उंगलां चो पानी चला कोई नहीं सकदा जहाना दे रहमत कहा कोई नहीं सकदा मेरा मुस्तफा आया है उन्हां अजमता नाल उन्हां शाना नाल अल्लाह दी कसम जो कायनात दे अंदर रब ने किसे नबी नूं भी अता नहीं फरमाइया एवें बकवास करदा है कि नबी दी अजमत नहीं मनदे शान नहीं मनदे नबी दा मुकाम नहीं मनदे ओ मेरे वीर असी ते मुहम्मद दे सिवा किसे दा मुकाम समझदे ही नहीं क्योंकि रब ने कुरान अंदर बयान फरमाया वैज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਮਰਤਬਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਜੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਏ ਫਿਰ ਖਾਤਮੁਨਬੀਨ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਏ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾ ਕੇ ਕਿਰ ਰਸੂਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਰਸੂਲ ਆਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦੀ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਲੀ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਬਾਦ ਰਿਵਾਜਤ ਇੰਨਲੀ ਖਮਸਤ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਕਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਾਣਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰਫਾ ਨਾ ਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰਕ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਦਕੀਕਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲੱ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਕਰੋ
अल्लाह फरमाते ने मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने किन्नू रसूल क्या गया है, फरमाया बैज आखज अल्लाह मीसाकन नबीना, ओ लोगो मैं नबियां को वादा लिया, ओ सुनो मजहबा वाले हो हनफी हो शाफी हो मालकी हो ओ हम्बलियो सुन लो सोरवर्दियो चिश्तियो कादरियो नक्शबंदियो सारे कन खोल के सुन लो, रब ने नबियां को वादा लिया है बैज اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون अल्लाह ने नबियां को वादा लिया मेरे नाल वादा करो किसी के दौर विच मेरा मुस्तफा आ जाए वो अपनी गल नहीं करेगा मेरे मुस्तफा की गल करेगा, मेरे नाल वादा करते हो जी अल्लाह जी वादा करने आ, फरमाया सुन लो फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून, जेड़ा अपने इस वादे तो मुनहरफ हो जाएगा मुहम्मद की गल वालों मुंह फेर लेगा अपनी गल करनी शुरू कर देगा फासक हो जाएगा। मेरे शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन रहमतुल्ला अलैह कह दो कुछ नहीं बिगड़ जाना, ये ऐत पढ़ते सन ते नाल कहिंदे सन तुसी आप ही फैसला कर लेना ए मजलस खासा आमा दे, और जदों नीवी पा लई नबियां ने की रह गई लोड़ इमामा दे, और जिन्नू मिले हजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दे, और जिन्नू मिले हजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दे, आमन हदीस मुहम्मद दी तेनू अजमत मिले सलामा दे, या अय्या तो हन नफ्सुल मुतमाइन्ना इरजई इला रब्बिक राजियतम मरजिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। घर बह के गल्लां नहीं करी दियां, ये अजमत नहीं मनदे शान नहीं मनदे, खुदा दी कसम शान अजमत मुहम्मद दी बयान करन वाले सिर्फ अहले हदीस ने, तेनू ते मलंगां दियां शाना बयान करन तो ही फुरसत नहीं मिलदी, जिन्हां दियां अपनियां नमाजां रोजे उन्हां दे अपने अमाली मुहम्मद दे मुताबक नहीं, ते असी की कहने आ अहले हदीसां तो सुन सजना जे गल्लां सुनिया ने मदनी पीर दियां, वो जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, वो जिदियां उंगलियां पानी चीर दियां, वजा सा ताजब किस गल दा पत्थरां चो पानी नित जलदा, पंजा उंगलां चो निकलियां पंज नहरां, ए उंगलां ने बदर मुनीर दियां, फिर मैं क्यों ना कहां ओए नूरी नहीं ओए नूरी नहीं ओए नूरी नहीं, पुर नूरियां तो वद अजमता बदर मुनीर दियां।
ਉਹ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਨੂਰੀ ਮਗਰ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਗਰ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਬਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਦਾ ਏ ਕਬਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਆਦਮ ਬਾਪ ਏ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਸਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੌਲਵੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਪ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਆਪ, ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਨਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਏ, ਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਏ, ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਏ ਪਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬਤੌਰੇ ਲਮਾਏ ਫਿਕਰੀਆ ਦੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਏ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਪੇ, ਗਾੜੀ ਤੇ ਆਪੇ, ਅੱਗੇ ਆਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਹੜੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਲੋਗੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ ਕਦ ਕਾਠ ਬਣਤਰ ਬਨਾਵਟ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਨੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਨਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤੋ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਦਾ ਸੇ ਤੋ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋ ਆਲਮ ਸੇ ਬਾਲਾ ਹਮਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਨਾ ਜਬ ਤਾ ਨਾ ਅਬੈ ਨਾ ਹੋਗਾ ਮੁਯੱਸਰ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਜਵਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ ਕਦ ਕਾਠ ਬਣਤਰ ਬਨਾਵਟ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਸੁੱਠੀ, ਬੜੀ ਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੱਟੀ, ਬੜੀ ਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ
तस्वीर कट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला, हसीना जमीला, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बनारब कलम तोड़ दिता। शाहिदम व मुबशरम व शाहिद भी मुहम्मद आपे, नजीर भी मुहम्मद आपे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात जरा दो जुमले सुन लेना खुदा वास्ते। अल्लाह ने मैनू अंदाज दिता है, गल दिती है, टंग दिता है, मैं कुरान भी सुनाना, शेर भी सुनाना, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं तुहाडे अकीदे की सलाह करा, हकीकत समझ आए। ये कहता है वेखो जी नबी की अजमत नहीं, मेरे वीर नबी की अजमत अगर सुननी है तो सिर्फ एहले हदीस को सुन। एहले हदीस की कहता है, है शान जो अहमद प्यारे दा, है शान जो अहमद प्यारे दा, नहीं शान ओ आलम सारे दा, है शान जो अहमद प्यारे दा, नहीं शान ओ आलम सारे दा। ओदी दो जगते सरदारी है, ओदा हुक्म हमेशा जारी है, ओदे हुक्म दा जो इनकार करे मुँह काला उस बेईमान दा। ए है शान जो अहमद प्यारे दा, ओ नहीं शान ओ आलम सारे दा। तू इमाम आजम अबू हनीफा नू मनना है, दो तिहाई मसैल भी नहीं मनदा। मेरा इमाम आजम है जिदी एक गल भी बंदा ना मने ते मुसलमान ही नहीं रहिंदा। हजरत अम्मी आयशा सदीका बोलियां ने, कहंदियां ने लना शमसु वल लाफा के शमसु व शमसु खैरु मिन शमस समाए, फइन शमस तत्लाउ बाद अल फजर व शमसी ताले उन बाद अल इशाए। अम्मी आयशा फरमांदियां ने एक आसमान दा सूरज है, एक मेरा सूरज मुहम्मद है, फर्क नहीं के आसमान दा सूरज दिन वेले चढ़ता है, मेरा सूरज मुहम्मद मदीने दियां रात अंधेरियां विच चलता है, ते लाटां मदीने दियां गलियां ते पैंदियां, अंधेरियां गलियां भी मुहम्मद दी रोशनी नाल रोशन हो जांदियां। ये मुहम्मद मुस्तफा है। रवायत करेंदा है जाबर सहारा, मैं एक राती डिठा मुहम्मद प्यारा, सल्लल्लाह चन्नो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा, मैं दुआ नू वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चांद मदमद साया, मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर आया। मेरे वीर मैं किन्नी अजमत शान बयान करा, रब दी कसम मेरा ईमान कीता है कि मुहम्मद जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं, ना कयामत तक बनाना है। खातम नबीन दा तकाजा ये वे कि मुसव्वर खै जबो नक्शा के जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुहम्मद हो, इधर गर्दन चुकाई हो। अजमत है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल। लोगो हर एक दी मुखालफत की जा सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, बाप नाल इख्तलाफ हो सकता है, मां नाल हो सकता है, भाई नाल हो सकता है, परे नाल हो सकता है, महल्ले नाल हो सकता है, जज नाल हो सकता है, तुहाडे चीफ जस्टिस नाल इख्तलाफ हो सकता है, हजरात हर एक नाल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुहम्मद नाल इख्तलाफ नहीं हो सकता। क्यों? वमैयो शाह के गिर रसूल मिन बाद मा तबयन लहु लहुदा वयत्तबे गैर सबील المؤمنीना नुवल्लेही मा तवल्ला वनुस्लेही जहन्नम वसाअत मसीरा। तुम्ही कायत पढ़ो के अबू निवादी नाम मनन वाला जहन्नमी है, शाफी मालिक जाफर अहमद बिन हंबल दी नाम मनन वाला जहन्नमी है,
मैं क्या है जेड़ा मुहम्मद की गल नहीं मानता वो काफर है, जहन्नमी है, दोज़खी है। मोमिन मुसलमान ये है मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल ने इंशाल्लाह आइंदा जुमा फिर इस जगह तो शुरू किया जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।